नमस्कार दोस्त, आज हम हाइड्रोसिल के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। हाइड्रोसिल के दोनों टेस्टिस में एक मेम्ब्रेन कवर होते हैं, उसके अंदर एक पाउच है, उस पाउच को यूनिका बैग्निस कहते हैं। इस पाउच में पानी भर जाने या चोट लगने के कारण या नसें मोटी हो जाती हैं तो उसे अंडवृही या हाइड्रोसिल का बढ़ जाना कहते हैं। तो इस हाइड्रोसिल के बढ़ जाने के कारण को हम ठीक करने के लिए दो होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आए हैं। पहला है पल्सेटिला और दूसरा है ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस को 200 पोटेंसी में लेना है और एक बूंद सप्ताह में यानी 7 दिन में एक बूंद सुबह लेना है, और पल्सेटिला को 30 पोटेंसी में लेना है, 30 पावर में एक बूंद सुबह और एक बूंद शाम लेना है प्रतिदिन। तो इससे किसी प्रकार का हाइड्रोसिल पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। यह 70% कारगर मेडिसिन है। इससे हम कितने पेशेंट को पूर्ण रूप से अपने क्लिनिक पर देकर ठीक किया हूँ और ठीक करता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। नमस्कार।